गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8, स्वामी सहजानंद सरस्वती फ्रॉम योर इंग्लिश लिटरेचर बुक। चैप्टर नंबर 8, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज बॉर्न ऑन 22 फरवरी 1889 in Ghazipur, Ghazipur in Uttar Pradesh state of India. He is born into a Jhutia Brahmin family on the day of Mahashivaratri. Swami Sahajanand was born on the day of Mahashivaratri on 22nd February 1889 in Ghazipur. Ghazipur is located in Uttar Pradesh. He was born in the Jhutia family and he was Hindu by religion. He died on 26th June 1950. He died on 26th June 1950 and he started an organization, All India Kisan Sabha. He started an organization, All India Kisan Sabha. स्वामी सहजानंद सरस्वती रिकग्नाइज एज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड सिग्निफिकेंट लीडर्स ऑफ पीजेंट्री। पीजेंट्री मीन्स फार्म लेबर। फार्म लेबर जो खेतों में काम करने वाले होते हैं, पीजेंट्स जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, फार्मर्स से फार्मर्स को ही बोलते हैं पीजेंट्स, ठीक है। पीजेंट्री मीन्स वो मीन्स फार्मिंग का काम करते थे, ठीक है। रिकग्नाइज एज वन ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स मेन, प्रिंसिपल मीन्स मेन, and significant means important, leaders of the peasantry, peasantry means farm labor, जो खेतों का जो काम करते हैं। इन बिहार स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज अ ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मीन्स कॉग्निटिव, रिलेटेड टू मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एंड स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग मीन्स नोटिसेबल, स्ट्राइकिंग मीन्स नोटिसेबल। मास्टर ऑफ डिबेट, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वो एक मेन, एक इम्पोर्टेंट, खास एक इम्पोर्टेंट जो लीडर रहेंगे वो किसानों के बिहार के, बिहार में, इन स्टेट ऑफ बिहार। एंड ही वॉज इंटेलेक्ट, ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल मीन्स बहुत ही इंटेलिजेंट, एंड स्टार्टिंग मीन्स एक नोटिसेबल जो पर्सन है, मास्टर ऑफ डिबेट, ठीक है। गिफ्टेड विद न्यूमरस क्वालिटीज ऑफ मास लीडरशिप। कौन कौन सी क्वालिटीज उनके बीच में, कौन सी गिफ्टेड क्वालिटीज उनके बीच में, एक तो न्यूमरस क्वालिटीज ऑफ मास लीडरशिप, एक बहुत अच्छे जो लीडर हैं वो। एंड सहजानंद ग्रीव एज अ सोशल रिफॉर्मर, एक सोशल रिफॉर्मर हैं, बहुत अच्छी मीन जो सोसाइटी के लिए काम करने वाले एक अच्छे आदमी हैं। एंड पॉलिटिशियन एंड राजनीति में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान है। एंड वन अ सर्कल ऑफ सेवरल एडमायर्स, एडमायर्स मीन्स प्रेजेस, मीन्स स्वामी सहजानंद जो है उनके बीच में गिफ्टेड क्वालिटीज, कौन सी गिफ्टेड क्वालिटीज हैं, एक तो वो लीडरशिप अच्छी कर लेते हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं वो, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो एक सोशल रिफॉर्मर है, एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर है। एंड एक पॉलिटिशियन है, एक राजनीतिवान है। एंड मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि बहुत मीन्स लोग उनको लाइक बहुत करते हैं, एडमायर बहुत करते हैं उनको, ठीक है, प्रेज बहुत करते हैं लोग उनकी। स्वामी सहजानंद सरस्वती was born in a Jhutia Brahmin family. Jhutia is caste, Brahmin, Brahmin caste में से हैं। Family of Ghazipur. Ghazipur is a city in Uttar Pradesh. ठीक है? State of India. He was an ascetic. Ascetic means simple. Ascetic means very simple person जो होते हैं। Ascetic of Deshmani और देशनामी order of आदि शंकरा संप्रदाय एज वेल एज नेशनल, नेशनलिस्ट एंड पीजेंट लीडर ऑफ इंडिया। जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं वो क्या है कि एक सिंपल, एक सिंपल, एक साधारण काइंड ऑफ मीन पर्सन है वो, ऑफ दशनामी ऑर्डर ऑफ आदि शंकरा संप्रदाय। जो आदि शंकरा संप्रदाय है उनके बहुत ही सिंपल वो पर्सन है, सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग में बिलीव करने वाले। एंड एज वेल एज अ नेशनलिस्ट, एक नेशनलिस्ट भी हैं वो।
एंड अ पीजेंट लीडर, किसानों के एक लीडर है। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाई थी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा नेम से ही क्लियर है कि वो किसानों के लिए ही काम करती थी, ठीक है, किसानों के वेलफेयर के लिए ही काम करती थी। उनके जो जमींदारी जो है उनके अंगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया कि उनसे जो कर लिए जाते थे, ज्यादा टैक्स लिए जाते, टैक्स उनके अंगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया। मीन जो स्वामी जी हैं उनका मेन जो योगदान है वो एक किसानों की लाइफ में उन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन की है। बिहार एक्चुअली ही वॉज बोर्न इन उत्तर प्रदेश बट ही वर्क स्टार्टेड हिज वर्क फ्रॉम बिहार, ही वर्कड ऑल थ्रू हिज लाइफ इन बिहार। एल्दो he was born in uttar pradesh, his social and political activities, he was a social leader as well as a politician. pehle hi bata diya ki ek bahut acche politician bhi hain, theek hai. although he was born in uttar pradesh, gazipur mein unka birth hua, uttar pradesh mein unka birth hua, but his social and political activities centered mostly in bihar. unhone jitna bhi apna social kaam kiya, social welfare ka kaam kiya, ya fir unhone पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो भी की हैं वो सारी की सारी कहाँ पे की हैं, वो सारी बिहार में ही की हैं मोस्टली। इन द इनिशियल डेज मीन स्टार्टिंग के डेज में क्या है कि एंड ग्रेजुअली स्प्रेड द रेस्ट ऑफ द इंडिया विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। आफ्टर दैट उन्होंने जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली ऑल इंडिया किसान सभा, फिर उन्होंने पूरी ऑल जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी ऑल स्टेट्स के जितने भी किसान लोग हैं, फार्मर्स लोग हैं, पीजेंट्स हैं, उन सभी के लिए काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में उन्होंने अपना काम जो किया बिहार स्टेट से किया, आफ्टर दैट उन्होंने पूरे ऑल ओवर द इंडिया सभी लोगों के लिए, जितने भी ऑल ओवर द इंडिया किसान थे उन सभी के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। He had set up an ashram at Vihta. Vihta में उन्होंने एक, Vihta is a name of a place in Bihar. Patna is the capital of Bihar. ठीक है, near Patna there is a place that is Vihta. In Vihta he started an ashram. उन्होंने Vihta में अपना एक आश्रम, स्वामी जी है ना वो, इसीलिए उन्होंने क्या एक आश्रम बनाया Vihta में, ठीक है, जो कि पटना के नजदीक है। एंड कैरीड आउट मोस्ट ऑफ हिज वर्क इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम देयर। इसी स्टेट से मीन इसी जगह से पटना के नजदीक जो बहता है वहां पे उन्होंने एक आश्रम बनाया था, उसी आश्रम से उन्होंने पूरी लाइफ अपना जो कार्य किया लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, किसानों के वेलफेयर के लिए, जितने भी कार्य किए उन्होंने, जितने भी कार्यक्रम उनके थे वो इसी यहीं से स्टार्ट किए थे उन्होंने, आश्रम एट बहता, ठीक है। फ्रॉम देयर ही सेट अप हिज वर्क, he set up his work in ashram at Vihta, that is near Patna in Bihar, theek hai. He was an intellectual. Intellectual means cognitive or related to mental activities, theek hai. And prolific means creative. He was an intellectual means mentally both intelligent the एंड प्रोलिफिक राइटर मीन्स क्रिएटिव राइटर थे, मीन्स क्रिएटिविटी उन्होंने बहुत अच्छी थी, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर एंड रेवोल्यूशनरी ऑल रोल्ड इन टू वन, जितनी भी मीन्स एक रेवोल्यूशनरी होते हैं, एक ड्रामेटिक चेंज जो लेके आता पर्सन, रेवोल्यूशनरीज होते हैं जो ड्रामेटिक चेंजेस जो लेके आते हैं, ठीक है। मीन्स इसमें बहुत सी क्वालिटीज है लाइक इंटेलेक्चुअलिटी, लाइक ही वॉज अ गुड राइटर एंड सोशल रिफॉर्मर एंड रेवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिशियन, सारी जो क्वालिटीज है एक ही पर्सन में है। वो पर्सन कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी में बहुत सारी जो जितनी भी अच्छी वाली क्वालिटीज हैं, जैसे मेंटली इंटेलिजेंट हैं वो, अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक अच्छे राइटर हैं, एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर है, रेवोल्यूशनरीज हैं, जितनी भी जो गुड क्वालिटीज हैं वो एक ही पर्सन में है। वो पर्सन कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं, ठीक है, उनमें सारी क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट, द किसान सभा मूवमेंट, द किसान सभा मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती। फ्रॉम वेयर द किसान सभा मूवमेंट स्टार्टेड? फ्रॉम बिहार। किसान सभा मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, हु हैड फॉर्मड इन 1929। उन्होंने जो किसान सभा जो मूवमेंट है ये स्टार्ट किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने, कब किया था? 1929 में शुरू किया था उन्होंने ये काम अपना, ठीक है।
1929 में उन्होंने ये काम अपना शुरू किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। कहाँ से किया था? बिहार से शुरू किया था अपना ये काम, ठीक है। द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन ऑर्डर टू मोबालाइज, मोबालाइज मीन्स एक्टिव सर्विस, मीन्स लोगों को एक एक्टिव सर्विस देने के लिए, पीजेंट एंड ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस मीन्स जो लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा था, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, अनफेयर एक्शंस हो रहे थे, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहे थे उनके लिए, ठीक है। जो एंड अगेंस्ट जमींदार अटैक, जमींदारी अटैक्स ऑन दी ऑक्युपेनी, ऑक्युपेनी मीन्स ऑक्युपेशन, रिलेटेड टू ऑक्युपेशन राइट्स, एंड दस स्पार्किंग द फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने अपना जो है किसान सभा मूवमेंट किसके लिए शुरू किया था? किसानों के लिए शुरू किया था, जो किसानों के साथ इनजस्टिस हो रहा था, उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था। एक जमींदारी प्रथा जो शुरू की थी, वो जमींदारी प्रथा के थ्रू उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिए जाते थे किसान लोगों से, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट उन्होंने अपना जो स्ट्रगल किया था, जमींदारी जो है सिस्टम है इनके अगेंस्ट, जमींदारी सिस्टम जो है इनके अगेंस्ट उन्होंने अपना जो स्ट्रगल किया था, कब शुरू किया था? 1929 में किया था, एक किसान सभा मूवमेंट के नाम पे, ठीक है, अगेंस्ट द इनजस्टिस, इनजस्टिस जरा जो किसानों के साथ इनजस्टिस हो रहा था उनके अगेंस्ट उन्होंने शुरू किया था अपना जी किसान सभा मूवमेंट, ठीक है। ग्रेजुअली द पीजेंट मूवमेंट इंटेंसिफाइड एंड स्प्रेड अक्रॉस द रेस्ट ऑफ इंडिया। बाद में ये बिहार से इन्होंने अपना काम शुरू किया, फिर ऑल ओवर द इंडिया जो इनका जो स्प्रेड हो गया, सारी इंडिया में ये काम जो उनका फैल चुका था, जो लोगों के लिए वो काम कर रहे थे, ठीक है। एंड ऑल दीज रेडिकल, रेडिकल मीन्स इम्पार्ट्स, रेडिकल मीन्स इम्पार्ट्स डेवलपमेंट्स ऑन द पीजेंट फ्रंट कल्मिनेटेड, कल्मिनेटेड मीन्स पार्टिकुलर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अप्रैल 1936 विद स्वामी सहजानंद बीइंग इलेक्टेड एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर उन्होंने ये किसान जो ऑल इंडिया किसान सभा बनाई, इनका फर्स्ट सेशन जो किया वो कहाँ पे किया? लखनऊ में किया, ठीक है। इसका जो फर्स्ट सेशन कब किया था? अप्रैल 1996 में किसान सभा का जो इन्होंने फर्स्ट सेशन किया था, अप्रैल 1936 में किया था इन्होंने। इनके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती इनके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इनको किसानों को अवेयर करने के लिए, इनके मीन्स जो इनके साथ इनजस्टिस हो रहा था उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई करने के लिए एक सेशन किया, वो कौन सा सेशन किया? लखनऊ सेशन किया, मीन्स लखनऊ पे इन्होंने सेशन किया था। वो उनका ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? एक ऑल इंडिया किसान सभा ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। इनके जो प्रेसिडेंट थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इनके प्रेसिडेंट थे। कब किया उन्होंने? ये अप्रैल 1936 में किया था, ठीक है। इनके साथ अदर जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे स्वामी जी के साथ, जो अदर प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो कौन कौन से लीडर्स थे? एन जी रंगा, EMS नामबुद्रीबत, पंडित कार्यानंद शर्मा, पंडित जमुना कारजी, पंडित जमुना नंदन शर्मा, राहुल शंकराचार्य, पंडित सुंदराया, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एंड पंकी मुखर्जी, ये जो पर्सन थे इनके साथ थे, ठीक है। एंड द किसान मैनिफेस्टो रिलीज्ड ऑन, किसान मैनिफेस्टो, किसान मैनिफेस्टो में जो किसानों की तरफ से एक घोषणा पत्र जो किया था, किसान मैनिफेस्टो रिलीज्ड इन अगस्त 1936, किसान मैनिफेस्टो कब रिलीज हुआ था? अगस्त 1936 में हुआ था, ठीक है। किसानों का जो मैनिफेस्टो था, किसान मैनिफेस्टो जो कवर रिलीज हुआ था, मैनिफेस्टो था डेक्लेरेशन, ठीक है, डेक्लेरेशन किसानों की जो डेक्लेरेशन थी, जो किसान मैनिफेस्टो था रिलीज्ड इन अगस्त 1936, कवर रिलीज हुआ था अगस्त 1936 में। डिमांडेड एबोलिशन, एबोलिशन मीन्स एंडिंग ऑफ लॉ, ठीक है। डिमांड कर रहे थे मीन्स लॉ को एंड करने के लिए, कौन से लॉ को एंड करने के लिए? जिमींदारी सिस्टम एंड द कैंसलेशन ऑफ रूरल डेबिट्स, जो रूरल एरिया के जो लोग थे जो डेबिट्स देते थे उनको एंड करने के लिए ये अपनी डिमांड कर रहे थे, इनके लिए एक किसान मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था। एंड अक्टूबर 1936 अडॉप्टेड रेड फ्लैग एज इट्स बैनर, बाद में किसान मैनिफेस्टो ने इन्होंने एक फ्लैग
अपना बैनर बनाया, रेड कलर का फ्लैग जो इनका बैनर था, ठीक है। सून इट्स लीडर्स बिकेम इंक्रीजिंगली डिस्टेंट विद कांग्रेस एंड रैपिडली केम इन टू कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन मीन्स कॉन्फ्लिक्ट विद द कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। आफ्टर दैट जो इनके लीडर्स थे जो किसानों के, लाइक स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गए, या इनके साथ जो एन जी रंगा, कार्यानंद शर्मा, पंडित जमुना खर्जी, पंडित जमुना नंदन शर्मा, जितने भी इनके किसानों के जो लीडर्स थे, उन्होंने कांग्रेस के एंगेज एक कॉन्फ्लिक्ट में एक स्ट्रगल शुरू किया, एंड कांग्रेस के एज वेल एज जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थी उनके एंगेज स्ट्रगल करना शुरू किया। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड टिल देयर। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट क्लास। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।